आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं फंक्शन, फंक्शन में प्रोग्राम लेंगे हम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम यहाँ से दो स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि एक हम रिटर्न एक्सप्रेशन करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि रिटर्न फंक्शंस क्या होता है और उसे हम कैसे वर्क में यूज लेते हैं वो तो सब लोग आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट एंड रिटर्न फंक्शन से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के लिए हम कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई प्रोग्राम यहाँ से फैक्टोरियल ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली फैक्टोरियल के लिए एक पेज बनाऊंगा और सिंपली आपसे कभी पूछेगा कि रिटर्न फंक्शन में ये क्वेश्चन काफी सारा बीटेक या बीसीए में पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, शायद बोर्ड में। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को देखना ना भूलिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फैक्ट डॉट सी नाम की एक फाइल बनाई हुई है, उसमें यहाँ पे डालूंगा रिटर्न, या एक मैं यहाँ पे कमेंट लाइन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ रिटर्न, और मैं रिटर्न में फंक्शन क्या करना चाहता हूँ वो सिंपली मैं स्टेट करूंगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट से ये मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिया और मैं सिंपली यहाँ से प्रोग्राम लिखना अपना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं इस फाइल को छोपूंगा और चलो रहने दीजिए। मैं इससे आपको लगता है कि यहाँ से क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे एक एच एन क्लू लूंगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखना भूल देंगे तो समझ लगता है आप तो आप काफी सारी बड़ी गलती कर सकते हैं इस प्रोग्राम को अगर आप नहीं देखते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आज को पढ़कर जरूर जाना, जिससे कि आपको मार्क्स 2% या 3% आराम से बढ़ सके। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी सारी पूछताछ भी होती है और इंटरव्यू एक्सटर्नल या इंटरनल में भी पूछा जाता है, शायद आपका बायवा भी होता है। उसमें फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है, फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट होता है, वो रिटर्न स्टेटमेंट हम कैसे लेते हैं वो सिंपली हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बुलाऊंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई चीज बताने वाला हूँ कि वो नई चीज क्या है कि मैं यहाँ पे एक फैक्ट लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्ट लिया और यहाँ पे मैं सेम को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी सारा ऐसा यह होता है और इसमें हम आपने लगाया होगा कभी ऐसा यूज नहीं किया होगा। सिंपली मैं यहाँ पे एन को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे यह गलत लगा दिया है, अभी यहाँ पे 1 मिनट में इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से क्लियर किया और मैं इसको यहाँ से मैं खुद ही इसमें इंट लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद ही इंट लिख दिया है और उसके बाद सिंपली इंट में कोई मैं इंटीजर वैल्यू या वेरिएबल्स को यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एल ले लिया। आप लेते लोग देख रहे होंगे यहाँ काफी सारी मैंने चेंजेबिलिटी लगी है, यही यहाँ पे पर्पस था बताने का कि यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज को हम कैसे स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे काफी सारी लोगों को परेशानी होती है कि हम कैसे स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, वो सिंपली गलती क्या है कि मेरे को यहाँ से जो ये स्टेटमेंट लगाता है वो सिंपली हम यहाँ पे तो ये सिंपली यहाँ से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इस यहाँ से वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा इंट और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई फैक्ट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फैक्ट लिया, उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इंट का यूज करने वाले। मैंने यहाँ पे इंट लिया, इंट के बाद जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं वो सिंपली मैं इसके बाद सेमी कॉलन लगा दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद सिंपली हम इंट मेन का सिंपली यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे इंट मेन का अभी प्रयोग कर और सिंपली फिर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लूंगा जो कि हमारे जो पर्पस क्लफ ऑफ वर्क करेंगे वो है हमारा इंट, और मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लूंगा ए और बी नाम का। ठीक है, जिससे कि हम वैल्यू को डिफाइन कर सकें, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिया। उसके बाद सिंपली मैं एक प्रिंट फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लूंगा जो कि हमें रीड फंक्शन होगा और हमारी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा। जैसे इंटर डेटा, यहाँ पे मैं कोई भी इंटर डेटा को या किसी भी नंबर या डिजिट को यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, अपने आउटपुट के अंदर। उसके बाद सिंपली मैं इस जो ये वेरिएबल से उसको मैं यहाँ पे कॉलिंग करना चाहता हूँ स्कैनअप की मदद से, तो सिंपली मैं यहाँ स्कैनअप की मदद से इसको कॉल करूंगा। तो कॉल करने के लिए सिंपली मैं इसका एड्रेस दूंगा, मैंने इसका एड्रेस दिया और उसके बाद सिंपली एड्रेस देने के बाद मैंने यहाँ पे ए लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे ए लगाया और उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन का भी फिर कर लूंगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि मैं बी का फैक्टोरियल करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे फैक्टोरियल इसको मैं डिफाइन करने के लिए कोई भी वैल्यू को मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ। ठीक है, जो कि मैं चाहता हूँ कि ए का जो बी का फैक्टोरियल है वो एक एक प्लेट में लिख ले, इसलिए मैं यहाँ पे ए का भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं किसी फैक्टो प्रिंट फंक्शंस की मदद से एक फैक्टोरियल को यूज करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे परसेंट भी लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे परसेंट ही लिया। उसके बाद क्या करना है कि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को शो कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बी डिक्लेयर कराना है, तो मेरे को यहाँ पे बी लगाना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे कि फैक्ट के पीछे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बी की लिखाई हुई है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे
बी लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक की वैल्यूज को डिफाइन करना चाहता तो मैं यहाँ पे ये करवा देता। सबसे पहले उसके बाद सिंपली हम रिटर्न 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। और एक मिनट, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 का यूज कर लिया। रिटर्न आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा पूरा प्रोग्राम लिख गया होगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ पे मेन पर्पस स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पे इनफेक्ट इन 10 लगाया हुआ है, लाइन नंबर 5 है, उसका हम थोड़े से वर्क करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे इंट लिया और मैं यहाँ पे फैक्ट, मैंने यहाँ पे फैक्ट का यूज किया। उसके बाद सिंपली इंट, और इंट में जो वैल्यूज वेरिएबल्स में डाला हुआ था वो था हमारा एन। मैंने यहाँ पे एन को भी सिंपली ले लिया है। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पे कंडीशन डालना चाहता हूँ। कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे इंट और आई है, जो कि हम यहाँ पे फोर लूप का यूज करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक जाए वो वैल्यू आप लोग जानते होंगे, तो सिंपली मैं इसके लिए आई ले लूंगा। और जो फैक्ट मैंने यानी फैक्ट का मतलब है यहाँ पे फैक्टोरियल, तो मैं इसको सिंपली क्या करना, इधर फैक्टर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने यहाँ फैक्टर काफी यूज कर लिया ऊपर, तो मैं सिंपली यहाँ पे एफ ही कर लूंगा। और एफ की जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, जैसे ये फैक्टोरियल हो वो बंद से ही स्टार्ट हो, ना कि कहीं पे जाके गड़बड़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सेमी कॉलन्स का भी यूज कर लेंगे। उसके बाद सिंपली क्या करने वाले हैं हम लोग कि मैं यहाँ से फोर लूप चलाऊंगा, फोर लूप में जो आई की वैल्यू है मैं ज्यादा बंद से स्टार्ट हो, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक बन डालूंगा। पॉइंट जब पॉइंट अलग हुआ है उसकी वजह से मैं यहाँ पे इक्वल, और जो कि वैल्यूज में कहाँ तक किस टाइम तक चलाना चाहता हूँ, 10, 4 टाइम या एन टाइम तक, तो सिंपली मैं यहाँ पे एन का उपयोग कर लूँगा। क्योंकि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 5 एन 15 में एक एन नाम का वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप। मैं यहाँ पे एन टाइप नहीं लेता तो सिंपली, या फिर मैं कोई डिजिट ले लेता तो सिंपली मैं यहाँ पे डिजिट भी डाल सकता था, बट मैंने यहाँ पे एन का प्रयोग किया हुआ है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे एन ले लूंगा। उसके बाद सिंपली हम इंक्रीमेंट किया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम कोड में जाते हैं, और कोड में यहाँ पे मैं सिंपली एक फैक्टोरियल करना चाहता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे कंडीशन शो करना चाहता हूँ। वो कंडीशन क्या होगी कि जो फैक्टोरियल यहाँ पे दिया गया है उसी को मैं यहाँ पे एफ इक्वल और एफ इंटू आई, यानी कि जो फैक्टोरियल निकलेगा उसमें मैं आई की मल्टीग्रेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई की मल्टीग्रेशन कर दी। उसके बाद सिंपली मैंने कंडीशन बनाई जैसे कि आप देख सकते थे, और मैं जीसी को यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिटर्न करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है कि मैं यहाँ पे रिटर्न एफ को लगा दूँ, जैसा कि आप रिटर्न 0 लगा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं से रिटर्न एफ का ही यूज करूंगा। और मैं उसके बाद सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि इसमें कितनी एरर्स आ रही है, या फिर हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। और जो प्रोग्राम ये है मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पेज की, तो सिंपली आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इंटर डेटा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा, चलो मैं यहीं पे डाल देता हूँ इंटर डेटा पे। मान लीजिए इंटर डेटा डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे 1 देना 15 डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 15 डाला। उसके बाद सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे आउटपुट इसने दे दिया फैक्टोरियल 15 का, फैक्टोरियल 2004 31 1016 होता है। मैं सिंपली एक बार इसको फिर से रन करके देखता हूँ, अगली बार मैं इसको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन में देखूंगा ताकि मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से इंटर डेटा आ चुका है, और मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे बड़े करना चाहता हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक फैक्टोरियल देना चाहता हूँ 5 का, तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे देख सकते हैं 120 इसलिए दे दिया, जो कि मुझे पता नहीं है सही है या नहीं सही है, बट यहाँ पे सिंपली बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से वर्क कर रहा है। तो ऐसे सब प्रोग्राम को यहाँ पे लिख के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा फुल मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक मैच लगाया है जो काफी सारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि यहाँ पे इन फैक्ट इन टर्म का प्रयोग हम पे एच एन इंक्लूड प्रोसेस एंड हेडर्स फाइल्स की यूज में भी कर सकते हैं। तो सिंपली इस प्रोग्राम को आपके लिए काफी सारी लाभदायक एंड सक्सेसफुली, बल्कि आपकी नॉलेज को तेज करने वाला प्रोग्राम है। तो सिंपली इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो सिंपली वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक।